हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच तो हम बहुत तरह के बनाए हैं, एक मीठी वाले, एक पिज्जा वाले। तो आज हम बनाएंगे पूरे फ्रूट से और पनीर से सैंडविच, जो कि खाकर झूम जाएंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाइएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ 150-200 के एक सैंडविच मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सैंडविच बनाने के लिए हम यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ले लिए। आप पनीर का वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, रसोई मीना के चैनल पर जाकर के किस तरह से हम पनीर बनाए हैं। तो ये 200 ग्राम पनीर है, तो हम अभी इनको मैश नहीं किए हैं, इस तरह से आराम से ये मैश हो जाएंगे। यहाँ पे हम डालेंगे 4 आलू। आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, आलू को ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो हम इस तरह से 4 आलू को भी इनमें मैश कर लेते हैं। अब हम बॉइल करके हम पहले से रख लिए थे। छिलका इसलिए उतार रहे हैं कि आपको भी बता रहे हैं कि पहले से अगर आपको कहीं जाना है, सैंडविच खाना है, तो आलू का छिलका उतार करके रख दीजिए, फ्रिज में मत रखिएगा फ्रेंड्स। आलू बॉयल करने के बाद फ्रिज में नहीं रखिएगा। यहाँ एक एप्पल हम आपको एप्पल दिखाते हैं, कुछ इस तरह से हम एप्पल लिए थे। देखिए, तो इनको हम बारीकी एकदम कट कर लिए हैं, तो एक एप्पल हम कट करके इनमें ले लिए। और यहाँ पे हम एक अनार अच्छे से इनका दाना निकाल लिए हैं, तो हम पूरा अनार ले लेंगे। हमने बोले हैं कि फ्रूट से हम बनाएंगे। और एक मीडियम साइज का टमाटर, इनका बीज हम निकाल लिए हैं, आपको बीज नजर नहीं आएंगे इनमें। और अब बारी है मसाले की, तो हम मसाला ले लेंगे हम इनमें। और अभी देखते जाइए हम क्या क्या लेते हैं, मुंह में पानी आने वाला है फ्रेंड्स। देखते देखते यहाँ पे हम लेंगे किशमिश, और अब हम यहाँ मसाला, ये है चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। इनसे कलर और थोड़ी सी टेस्ट भी अच्छी आते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि बड़े नहीं, मतलब 8-10 बच्चे तो खाएंगे ही। यहाँ पे होममेड जीरा पाउडर घर में ही हम बनाए हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी चाट मसाला आने की, थोड़ी सी की मतलब कि मीडियम चम्मच से, एक चम्मच हम इन चम्मच से लिए हैं, तो आइसक्रीम वाले चम्मच से हम एक चम्मच चाट मसाला, चुटकी भर काली मिर्च कूटी हुई जो कि हम घर में ही कूटे हैं इनको, और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का कद्दूकस किया हुआ। और अब हम लेंगे यहाँ पे हरी मिर्च 1 से 2, थोड़ी सी तीखा के लिए। आपको अगर ज्यादा छोटे बच्चे को देना है तो इनको स्किप कर लीजिएगा, यहाँ पे ले लिए। और स्वाद अनुसार यहाँ पे हम लेंगे नमक, देखिए आप कम बेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे भर के हम लेंगे 2 चम्मच हरी धनिया। हरी धनिया तो खाना चाहिए, सेहत के लिए फायदेमंद है। तो हम सारे मसाला को ले लिए हैं, अब यहाँ पे हम सबको इस तरह से मैश कर लेंगे। इस तरह से हम मिला लेंगे अच्छे से, बिल्कुल फेंट लीजिएगा इनको हाथ से, हाथ को अच्छे से धो करके साफ करके मिला लीजिएगा। तो सब मसाले को हम अच्छे से मिला लिए हैं। अब चलिए ब्रेड की ओर। यहाँ पे हम ले लिए हैं 6 पीस ब्रेड, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ब्रेड ले सकते हैं, ये बड़े वाले साइज का ब्रेड है। तो अब हम इनको शुरू करते हैं। और यहाँ पे लिए हैं हम हरी चटनी, जो कि बहुत ही तीखी चटपटी खट्टी मीठी लगेंगे ये, आप चाहे तो सॉस भी लगा सकते हैं। अब हम इनको करते हैं साइड, यहाँ पे मसाला को रखते हैं। और इनमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच शुगर पाउडर, घर में हम पीसे हैं, एक ही चम्मच हम लेते हैं। इनसे क्या होगा कि स्वाद जो है लाजवाब कर देंगे। इस तरह से लेंगे, यहाँ हम लेंगे चटनी, हरी चटनी, आप सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये चटनी लगाने के बाद ही कुछ और है। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको सभी जगह लगाना है। आपको अगर चम्मच से दिक्कत होती होगी तो आप हाथ से इस तरह से ले, और बढ़िया से एकदम मसाला में कंजूसी मत करिएगा, बहुत अच्छे से लगाइए। और दूसरे ब्रेड पे हम चटनी लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अब हम लेंगे चीज, आप कोई भी मोजरेला चीज भी ले सकते हैं। तो आपको बारीकी से एकदम चीज को अच्छे से इन पे आप एकदम भर देना है। अब ये सेकने के लिए तैयार है, और यहां से इनको हम यहाँ रख देते हैं इस तरह से। तो जो हम इस तरह से सैंडविच तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से हम तैयार किए हैं, बारीकी देखा है। अब चलिए इनको सेकते हैं। लेंगे काफी मात्रा में बटर, तो आप देख सकते हैं
और बटर पे ही हम रखेंगे सैंडविच, और ऊपर से भी हम बटर को ले लेते हैं थोड़ा। देखिए आपको इन पे चटाना नहीं है, पूरी बटर देना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लो टू मीडियम पिन को हम सेकेंगे। देखिए 2 मिनट बाद मिलते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप जब भी पलटे इनको यहाँ से इस तरह से पलटे, देखिए कितना बढ़िया ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। इस तरह से हल्का दबा दीजिएगा। अब 2 मिनट और, यानी कि 2 मिनट 2 मिनट 4 से 5 मिनट में एक सैंडविच तैयार। 2 मिनट हो गए, हम देख लेते हैं इनको। तो चलिए सबसे पहले हम आराम से पलट लीजिए, देखिए कितना बढ़िया बना है। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बना लेंगे हम, और लेकर के इनको अच्छे से नचा देंगे, और उसी तरह से हम प्लेट से ढक देंगे। चलिए उनको हम कट करते हैं। यहाँ पे अब हम बहुत खूबसूरती से कट करेंगे इनको। तो हम यहाँ से इनको दबाते हुए, कट होने में थोड़ा सा दिक्कत होंगे, तो ध्यान रहे कि हमारा सैंडविच बहुत अच्छे से कट जाए। तो अब हम यहाँ से इनको देखिए कैसे भाग रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपको बारीकी कट करना होगा हाथ बचा करके। यहाँ पे हम कट कर लिए हैं इनको। अब आपको क्या करना है कि बस खूबसूरती के लिए थोड़ी सी, ये देखिए, अगर बच्चों को देना है तो हम खास करके बच्चे के लिए इस तरह से बताए हैं आपको। और यहाँ पे आप लगा दें बच्चे के लिए, तब तक हमारा दूसरा बैच बन रहे हैं। ये देखिए ये बच्चे के लिए है, ये देखिए इस तरह से, क्या बात है ना। सैंडविच बनकर तैयार है फ्रेंड्स। ये पनीर से भरा हुआ, पूरे फ्रूट से भरा हुआ, देख सकते हैं कितने बढ़िया खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? यदि अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।